जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में गृह विज्ञान का ये जो है बच्चों मॉडल पेपर रहेगा कक्षा 12 गृह विज्ञान होम साइंस, और पूर्णांक बच्चों आपको 70 नंबर के मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो समय है 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है, एक से पहले वैकल्पिक उसके बाद लघु उत्तरी उसके बाद में लघु उत्तरी क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। रुधिर की जो शुद्धि होती है किस अंग में होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। यहाँ सही जवाब हो जाएगा आ, हो जाएगा श्वास नली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा जो है 12.5% होती है। इसका सही जवाब आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है जिसमें नलिका नहीं पाई जाती है। नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है, तो ये बच्चों पीयूष ग्रंथि है। दूर की वस्तु को ना देख पाना रोग कौन सा है। दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, इनमें से कोई नहीं, निकट दृष्टि दोष। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। मलेरिया रोग फैलता है कैसे, तो माँ से मलेरिया, माँ से मच्छर। मलेरिया रोग बच्चों मच्छर द्वारा जो है फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है कौन सा, तो सभी को मालूम होगा आयोडीन की कमी से बच्चों ये जो है घेंघा रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी, तो रक्त वर्गों की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। इसका सही जवाब जो है दा हो जाएगा। फुफ्फुस सी सिरा में बहने वाला रक्त होता है, तो शुद्ध यहाँ सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ों की संख्या जो है 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है शरीर की रचनात्मक इकाई कौन सी है, तो शरीर की जो रचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका एकल परिवार में केवल एक व्यक्ति होता है, पति पत्नी रिश्तेदार होते हैं, केवल पति पत्नी होती है, पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। यहाँ सही जवाब दो है दा हो जाएगा, पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, उपयुक्त सभी, तो यहाँ जो है दा हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाल विवाह का दोष नहीं है। जनसंख्या वृद्धि निर्बल संतान व्यक्तित्व विकास में बाधक, वैवाहिक समायोजन में सहायक, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा दा हो जाएगा बाल विवाह का दोष नहीं है, ये जो है वैवाहिक समायोजन में सहायक ये दोष नहीं है। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएँ कौन सी हैं, लाल रक्त कण जिसको RBC कहते हैं, श्वेत रक्त कण यानी जिसको WBC कहते हैं, प्लेटलेट्स, इनमें से सभी। बच्चों रक्त में पाई जाने वाली जो कणिकाएँ हैं इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है दा हो जाएगा। हिंदू विवाह क्या है, सामाजिक समझौता समेत एक धार्मिक संस्कार है, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों इसका सही जवाब है हिंदू विवाह जो है, इसका सही जवाब बच्चों जो है बा हो जाएगा, एक धार्मिक संस्कार है। व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ती है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ती है जो है शैशवावस्था में पड़ती है। संक्रामक रोग कौन सा है, कोढ़ है, प्लेग है, हृदय रोग है कि कैंसर है, तो जो संक्रामक रोग है ये जो है जो प्लेग है। इसका सही जवाब सा हो जाएगा। दूषित जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो दूषित जल से फैलने वाला रोग जो है मोती छरा। इसका सही जवाब सा हो जाएगा मोती। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में। इसका सही जवाब जो है बा हो जाएगा तटवर्ती क्षेत्रों में। अब हम लोग लिखेंगे अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। रक्त का संगठन लिखिए, हृदय के कार्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि रक्त के संगठन लिखना है और उसके बाद में हृदय के कार्य लिखिए, तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। आइए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे रक्त के संगठन के संगठन लिखिए, तो उत्तर लिखेंगे। देखो रुधिर लाल श्वेत रक्त कणिकाओं एवं प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। इसका आधारभूत पदार्थ तरल प्लाज्मा है। रक्त चमकीले लाल रंग का एक तरल पदार्थ है जो हृदय में एकत्र रहता है और यहीं से संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। प्लाज्मा जल, प्रोटीन तथा कार्बनिक पदार्थ रक्त के क्या है, संगठन है। अगला क्वेश्चन बच्चों हृदय के कार्य लिखिए, ये भी क्वेश्चन दूसरा है, हृदय के कार्य लिखिए। तो हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर पहुंचाना है। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर का ग्रहण करता है। हृदय बच्चों क्या करता है, फिर से देखेंगे हम लोग। हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना है। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है और हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का भी काम
करता है। तो बच्चों ये था हृदय के कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। देखो दो क्वेश्चन हो गए, पाँच का खा हो गया, खा हो गया, अब लोग पाँच छः का देखेंगे। कुत्ते के काटने के दो प्राथमिक उपचार लिखिए। कुत्ते के काटने के दो प्राथमिक उपचार कौन से हैं? देखो बच्चों कुत्ते काटने के दो प्राथमिक उपचार लिखिए। नंबर एक, कुत्ते काटने के दो प्राथमिक उपचार निम्नलिखित है। नंबर एक, घाव को अच्छे साबुन के द्वारा बहते पानी से धोना, घाव के स्थान पर कार्बोलिक अम्ल को लगा देना, यानी घाव को अच्छे साबुन के द्वारा बहते पानी से धो लेना और घाव के स्थान पर कार्बोलिक अम्ल का लगा देना। अगला क्वेश्चन बच्चों, उन बीमारियों के नाम लिखिए जो जीवाणुओं के कारण होती हैं। जीवाणु बोले तो जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। उन बीमारियों के नाम लिखिए जो जीवाणुओं के कारण होती है। तो जैसे बच्चों मलेरिया हो गया, और उसके बाद प्लेग हो गया, रेबीज हो गया, ये सब जो है जीवाणुओं के कारण होते हैं, और पिस्सू हो गया, ये सब जो है जीवाणुओं के कारण होता है। साथ का देखो, रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य है, इसका क्या उपचार है? रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य है, इसका जो है क्या उपचार है? देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एकाकी परिवार की दो विशेषताएं लिखिए। बाल विवाह क्या है? जो छोटी उम्र में होता है विवाह बच्चों का, वही बाल विवाह है। बच्चों के शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं? बाल मृत्यु को रोकने के दो उपाय लिखिए। राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं? अब देखिए हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में शरीर में रक्त के कार्य बताइए, या सूखा आपदा के प्रमुख कारण लिखिए। तो आइए इस सब का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो रक्त में शरीर में रक्त के कार्य बताइए। तो हम लोग उत्तर हिंट डालेंगे, रक्त में शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर एक, शरीर में रक्त परिभ्रमण द्वारा अधिक गर्म भागों से गर्मी लेकर कम गर्म भागों में गर्मी पहुँचाकर शरीर के ताप पर नियंत्रण रखता है। नंबर दो, रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का वितरण करता है। नंबर तीन, रक्त जो है आहार नाल द्वारा शोषित पचे हुए भोजन से उपलब्ध पौष्टिक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग में आवश्यकता अनुसार पहुंचाता है। नंबर चार बच्चों, श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुओं का भक्षण करके रोग से बचाव करती हैं, और रक्त शरीर के ऊतकों की क्रियाशील बनाए रखता है। नंबर छः, यह विभिन्न ग्रंथियों में आवश्यक रस बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों को ग्रंथियों में पहुंचाता है। तो बच्चों ये थे शरीर में रक्त के कार्य। अगला क्वेश्चन है, सूखा मासिक धर्म या न्यूट्रिशन से क्या तात्पर्य है? प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। खसरा के लक्षण तथा उपचार को बताइए। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक सामाजिक कार्यों को उल्लेख कीजिए। मनुष्य के व्यक्तित्व पर वातावरण किस प्रकार प्रभाव डालता है? शिशी को वस्त्रों का चयन किस प्रकार करना चाहिए? दहेज प्रथा क्या कारण है? ये सब बताए गए हैं। बाल विवाह रोकने के क्या कारण उपाय हैं? उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आए बच्चों, हृदय का नामांकित चित्र बनाकर उसकी रचना कार्यविधि अथवा प्रतिवर्ती क्रिया कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायु द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? किसी एक रोग के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। हैजा फैलने के कारण इसको हम बताएं बच्चों, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। कैसे फैलता है संयुक्त परिवार, ये बहुत ही सरल है। संयुक्त परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए, अथवा करके चाहे इसको करिए चाहे इसको। आपको पाँच नंबर में एकाकी परिवार की विशेषताएँ लिखिए। ये सब क्वेश्चन बच्चों अपने से आप बना के लिख सकते हैं। आप पूरा बना के लिखेंगे तो राइटिंग अच्छी बैठेगी और नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन को पूरा लिखिए। टीकाकरण क्या है या क्यों आवश्यक है, अथवा करके चाहे इसको चाहे इसको। बाल कल्याण से आपका क्या अभिप्राय है? विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं का जो है विस्तार से वर्णन कीजिए।